Hello students, how are you all? So welcome in the physics class. Today we will start with the potential energy. So potential energy potential energy is the energy possessed by a body by virtue of its position or configuration in some field. किसी भी field में किसी body की energy इसकी position और configuration की वजह से जो store होगी उस energy को हम लोगों ने क्या बोल दिया, इसकी potential energy. So it is the energy possessed by a body by virtue of its position or configuration. तो उस एनर्जी को हम लोगों ने बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी. एक्चुअल में अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल्स दैट इज द एनर्जी स्टोर इन स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग. तीर्थमान जो आते हैं हमारे पास उसकी बात कर दी हम लोगों ने, या फिर हम लोग एक एग्जांपल लेकर चलते हैं दैट इज द एनर्जी स्टोर इन आस्ट्रोन लाइन ऑन द टॉप ऑफ हिल एग्जाम्पल ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी. तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आती है. सो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात करें हम लोग अगर टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को मैं पीई से डिनोट करूंगा. पहली हमारे पास आती है कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड वन इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इसको स्टडी करने का बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम लगेगा. ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग, फिर चैप्टर हम लोग ग्रेविटेशन करेंगे उसमें भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को. तो यहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में, दैट इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल
नाइन्थ क्लास में भी हम लोगों ने ये कंसेप्ट स्टडी किया हुआ है नाइन्थ क्लास में, जिसमें बात की गई थी कि दैट द एनर्जी पोजेस्ट बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ड्यू टू इट्स पोजिशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, उस एनर्जी को हम लोगों ने बोल दिया क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअल में ये एनर्जी आती है, इट इज़ अ एनर्जी पोजेस्ट बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फिग्रेशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सम अदर बॉडी। ये हम लोग थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को एक्सटेंड करेंगे जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिंपल सा वही आइडिया लेकर के चलेंगे जो हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड बात करते हैं हम लोग, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज द एनर्जी पोजेस्ट बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन, इट्स पोजिशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, दैट इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके लिए निकालेंगे एक्सप्रेशन। मान लो हमारे पास को बॉडी दैट इज रेज टू हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस मान लिया हम लोग अर्थ का, यहां से किसी बॉडी को जिसका मास एम है दैट इज रेज अप टू अ हाइट एच, यहां से देखते हैं डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो कम से कम जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर अपवर्ड एक्शन में वो लगेगा वेट के बराबर ही लगेगा, तो मान लो हम लोगों ने जो फोर्स लगाया है इसको रेज करने के लिए दैट इज इक्वल टू एफ के बराबर हम लोगों ने फोर्स लगा दिया इसको ऊपर रेज करने के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट एम बी द मास ऑफ द बॉडी, जी दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के नजदीक की बात नहीं करेंगे हम लोग, ज्यादा हाइट की बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। एच इज द हाइट, ग्रेविटेशनल
potential energy of the body that is equal to mgh. अब इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग v से भी डिनोट करते हैं, v दैट इज इक्वल टू mgh. अब यहां पर देखिए अगर हम लोग वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, ध्यान दे थोड़ा सा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स दैट इज इक्वल टू mgh एंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज अ नेगेटिव mgh. अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो पोटेंशियल एनर्जी आती है बेटा आपके पास, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो आल्सो. जहां पर कोई फील्ड नहीं है वहां पर आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आती है दैट इज जीरो. वो क्या होती है? जीरो होती है. लेकिन यहां पर कुछ केस करेंगे हम लोग कि हमारे पास ये पॉजिटिव कब आती है और नेगेटिव कब आती है, उसमें देखते हैं. सो व्हेन द फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, कैसे हो अट्रैक्टिव, देन द पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव. एंड व्हेन द फोर्सेस आर रिपल्सिव इन नेचर देन द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज पॉजिटिव. अब यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस दीज आर अट्रैक्टिव इन नेचर, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास ये कैसी रहती है आपके पास? दिस वन एनर्जी दैट इज नेगेटिव. तो हम लोग बोलते हैं कि अगर मान लो आपके पास इफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज द फंक्शन ऑफ हाइट h, h के साथ अगर वेरी करती है तो फिर हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है? इफ स्पेशल केसेस करेंगे हम लोग यहां पर. जिसको मैं आगे चलते के बाद में यूज करूंगा स्पेशल केसेस, ये पहला केस पर बात करें, ठीक है? इफ एच इज टेकन वेरिएबल देन दिस माइनस डी वी एच ओवर डी एच, मतलब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी एच that is equal to d over dh of mgh किसके माइनस साइन के साथ. अब vh की वैल्यू रखी मैंने तो mg तो बाहर आ गया आपके पास, माइनस mg dh over dh डिफरेंशिएशन ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू h दैट इज इक्वल टू 1, तो मैंने इसका माइनस d over dh of dh that is equal to minus mg and this minus d over dh of vh that is equal to f, where f is the gravitational force. Negative sign indicates that it is acting downward direction. तो अगर मान लो आपके पास इफ v is the function of x, मतलब आपके पास x एक्सिस के अलावा कोई बॉडी मूव कर रही है, कहां से? फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि दैट इफ v इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब इफ x इज वेरिएबल, ऐसे मान करके चल पड़ते हैं हम लोग, ठीक है? सो
potential energy Vx, ठीक है, कौन सा मान लिया हम लोगों ने, Vx for force Fx, Fx मतलब along axis is defined as, मैं इसको डिफाइन करता हूं, दैट इज माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है. सो माइनस डी बी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑन ए बी एक्स. इंटीग्रेट कर दू मैं कहां से, इनिशियल टू फाइनल की बात करते हैं हम लोग, तो ये वर्क डन आ जाएगा. तो मैं इसको ऐसे ले लूं, पहले ऐसे ले लूं, दैट इज एफ ऑफ, दिस इज फोर्स है दैट इज डीलिंग विद द एक्स, दैट इज कहां से, एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, दैट इज इक्वल टू माइनस डी वी, वी इनिशियल टू वी फाइनल. सो दिस इज ओनली द वर्क डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन. सो दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू दैट इज माइनस या क्या बी, दिस इज बी इनिशियल, दिस इज बी फाइनल. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज माइनस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल. सो वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पास वर्क डन टू मूव अ बॉडी, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट. इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं. मतलब कुल मिलाकर की बात यह है कि मैंने इस रिलेशन को आगे चल के यूज करना, दिस आई हैव टू यूज. सेकेंड वन, अगर मान दूसरा केस मैं लिख जा रहा हूं, अगर कोई बॉडी आपके पास फ्रीली फॉल करती है फ्रॉम हाइट एच, जैसे मान आपके पास, ये मैं सेकंड केस लेकर चल रहा हूं बेटा, यहां पर सेकंड केस, वेन द बॉडी falls freely from height h. ये freely fall s, ये surface है. यहां पर इसकी velocity zero है और यहां पर इसकी velocity acquired करनी v. Strike the surface of the earth. So it means इसकी potential energy that gets converted into kinetic energy. ये height हमारे पास आती है, क्योंकि height की बात हो रही है, ये height हमारे पास आती है इसके बराबर h के बराबर. So in that case, mgh is equal to half mv square. तो मैं यहां से v square लिख लूं, m से m कैंसिल आउट, तो दैट इज इक्वल टू 2gh. सो v दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh. सो विद दिस वेलोसिटी द बॉडी विल स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है. सो विद दिस वेलोसिटी, वेलोसिटी लिख दो, स्पीड लिख दो, द बॉडी विल strike the surface of earth. इसको strike, ठीक. तो ये हमारे पास थे इसके special cases. हम लोग बात करेंगे अब किसके, that is the potential energy of spring, that is elastic potential energy.
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे, मतलब इलॉन्गेशन करेंगे या कंप्रेस करेंगे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी स्टेट ऑफ कंप्रेशन और इलॉन्गेशन की वजह से जो आपके पास एनर्जी स्टोर होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, सो द एनर्जी पोजेस्ट बाय स्पीड ऑफ कंप्रेशन और इलॉन्गेशन ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। उसको क्या बोलते हैं हम लोगों ने, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब मान लो हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है, एनी स्प्रिंग ए ओ ऑफ नेग्लिजिबल ओ ए ऑफ नेग्लिजिबल मास प्लेस्ड अलोंग x-axis in the horizontal direction with one end that is fixed at the rigid support O and to the second end A, a body of mass m is attached। इसके साथ क्या कर दिया हम लोगों ने, कोई बॉडी जो है मास एम की हम लोगों ने यहाँ पर अटैच कर दी, ये मास एम ने यहाँ पर अटैच कर। ठीक है, इट इज इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैंने क्या किया, इसके ऊपर इसको डिस्प्लेस कर दिया, इस टाइम फोर्स लगा, फोर्स लगाएंगे तो देखा होगा हम लोगों ने, जैसे इसको फोर्स लगाते हैं हम लोग, चाहे कंप्रेस करें चाहे स्ट्रेच करें, इसके ऊपर क्या होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब जब इसको हम लोग ऐसे खींचेंगे तो भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होगा, जब कंप्रेस करेंगे तो भी एक फोर्स डेवलप होगा जो कि हमेशा स्प्रिंग को इक्विलिब्रियम पोजिशन में लाने की कोशिश करता है, उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो मान लो हमारे पास क्या है कि दैट व्हेन जो स्प्रिंग है हमारे पास, व्हेन स्प्रिंग इज इलॉन्गेटेड और कंप्रेस्ड थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोगों ने मान लिया एक्स, देन आर रिस्टोरिंग फोर्स कम्स इन प्ले, एक रिस्टोरिंग फोर्स। अब अगर बात करें अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ये हुक्स लॉ को ओबे करता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको, हुक्स लॉ को जब हम लोग सॉलिड्स की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे, उस दौरान इसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे हुक्स लॉ को। सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ अगर बात करें हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स, that is directly proportional to
कंप्रेशन और इलॉन्गेशन। कंप्रेशन ऑफ स्ट्रेच इट मींस ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो मैंने नेगेटिव साइन दे दी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो यह कॉन्स्टेंट रखेंगे, कॉन्स्टेंट बेस के, इसको ले लिया नंबर वन, वेयर दिस के इज नोन एज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट और फोर्स कॉन्स्टेंट। कई जगह पर यूज होता है फोर्स कॉन्स्टेंट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो नाउ द वर्क डन टू प्रोड्यूस द इलॉन्गेशन एट डी एक्स, स्मॉल इलॉन्गेशन, ठीक है। सो स्मॉल वर्क डन टू प्रोड्यूस इलॉन्गेशन और कंप्रेशन डी एक्स दैट इज डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। माइनस एफ किसके बराबर है? के एक्स के बराबर। सो डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स के बराबर आ गया हमारे पास। अब टोटल वर्क डन कहां से? जीरो से एक्स तक करना है हम लोगों ने प्रोड्यूस, ठीक है। सो द टोटल वर्क डन टू प्रोड्यूस द इलॉन्गेशन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो टोटल वर्क डन टू प्रोड्यूस इलॉन्गेशन फ्रॉम एक्स वन इज इक्वल टू जीरो टू एक्स टू इज इक्वल टू एक्स। यहां देखते हैं हम लोग वर्क डन इंटीग्रेट करते हो जैसे कहां से जीरो टू एक्स के एक्स डी एक्स। ये तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी तो वर्क डन के इंटीग्रेशन बच गई एक्स डी एक्स जीरो से एक्स तक। एक्स की आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई टू। सो इंटीग्रेटेड हमारे पास आ गया क्या दिस वर्क डन दैट इज के एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू एक्स और वर्क डन दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस जी। सो यहां से अगर देखें हम लोग तो ये वर्क डन दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो यही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग अगर बात करें हम लोग, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखें दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये नेगेटिव में भी आ सकता है बेटा आपके पास दिस एनर्जी, कोई जरूरी नहीं है कि आपने दोनों पॉजिटिव में निकालना है, आप लोग माइनस में भी निकाल सकते हो। लेकिन ये इसकी इक्वेशन है आपके पास पैराबोला की इक्वेशन है। तो अगर मैं यहां पर इसकी वेरिएशन कर दूं एक्स के साथ तो आपके पास ये पैराबोला इस तरीके से आ जाएगा। आपके पास वेरिएशन इस एनर्जी की इस साइकिल पोटेंशियल एनर्जी, ये आपके पास ये एक्स एक्सिस ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये एनर्जी आपके पास इस तरीके से। ठीक है, दस मीटर वेज आर। ठीक, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग।
अब बात चलते हैं हम लोग किसके ऊपर, जो हम लोगों ने स्प्रिंग कांस्टेंट पे बात की थी, ये जीरो आ गया, यहाँ पर जीरो लगा देना, रेस्पॉन्स जीरो। हम लोगों ने फोर्स कांस्टेंट की बात की थी। देखो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट को लेकर के चलेंगे, हम लोग अलग से लेकर के चलते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। हमने कहा इधर माइनस एफ इज इक्वल टू के एक्स व्हेन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। मान चलते हैं when this applied force is equal to the restoring force, यही आएगा हमारे पास। तो this F is equal to K X, मतलब F is directly proportional to X। पहली बात, ये वेरिएशन आपके पास F और X के बीच की, दैट इज लीनियर वेरिएशन। ये अप्लाइड फोर्स ले लो, ये डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस वन इज द वेरिएशन। अब K अगर मैं यहां से निकालो तो स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू F अपॉन X। सो स्प्रिंग कांस्टेंट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट, परिमित डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स परिमित डिस्प्लेसमेंट, सो स्प्रिंग कांस्टेंट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यूनिट डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो इसके एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज फोर्स पर न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट पर मीटर, आते थे न्यूटन पर मीटर। डायमेंशंस निकालें, डायमेंशंस फोर्स के आपके पास के है, आपके पास एफ ओवर एक्स फोर्स के हैं एम वन एल वन टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट के एल वन, तो ये आ गए एम वन टी माइनस टू, एल वन से एल वन कैंसिल, ये है। अब ये डिपेंड किस किस के ऊपर करेगा, आपके पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट है और फोर्स कांस्टेंट आपके पास किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा। पहली बात, आपके पास के डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग वायर, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा आपके पास कि डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या रेडियस आर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, मोर इज द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन मोर स्टिफर इज द स्प्रिंग, ठीक है, मतलब के की वैल्यू उसमें आपके पास क्या जाएगी, ज्यादा जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तीसरी बात, आपके पास इट डिपेंड ऑन द लेंथ, लेंथ की बात करते हैं हम लोग, लेंथ लेंथ की डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, के दैट वेरीज इनवर्सली एज लेंथ, ज्यादा लेंथ होगी तो के आपके पास कम होगा,
ठीक है। सो इसका मतलब आपके पास लेंथ के साथ अगर मैं वेरिएशन करूं तो इस तरीके से ये के मैन ले लिया, ये लेंथ ले ली, सो इट वेरीज लाइक दिस। इस तरीके से लेंथ के साथ साथ आपके पास इस तरह से वेरिंग कर जाएगा आपके पास, ठीक है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। हम लोग निकाल सकते हैं यहां से, इफ वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग बाय यूजिंग द ग्राफ बिटवीन एफ एंड एक्स, इसके बीच में ग्राफ हम लोग अगर निकालें तो देखते हैं। सो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बाय यूजिंग द ग्राफ बिटवीन द फोर्स Light force and a displacement, ठीक है। So यहां से expression for potential energy of spring from the ground between applied force and applied force at the beginning and displacement x in the elongation or compression in the spring. So applied force that is equal to the restoring force, ये हमने मान लिया है। तो हमें पता है that F is directly proportional to x, so F that is equal to k x के बराबर। तो ये ग्राफ है हमारे पास। X axis, this is my axis. मान लिया मैंने, यहां जैसे टी मान लिया और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स के बराबर मान लिया और ये फोर्स मैंने मान लिया एफ यहां। सो वर्क डन दैट इज एरिया इनटू द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। सो वर्क डन टू प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी OPQ। सो दिस वर्क डन दैट इज आप बेस कितना है OP इनटू हाइट PQ। सो वर्क डन हाफ OP एक्स और PQ किसके बराबर है यूजिंग दिस इक्वेशन। एफ किसके बराबर है Kx के बराबर। सो वर्क डन दैट इज इक्वल टू हाफ एक्स इंटू के एक्स। सो वर्क डन दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स के। दिस वर्क डन इज कोड एज पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स के। तो यहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है बेटे। हम लोग बात करेंगे कुछ जनरल डिस्कशन की बात करेंगे यहां पर एनर्जी की और ऑसिलेशन की बात करेंगे मास की स्प्रिंग के साथ जनरल डिस्कशन चलते हैं। चलो लिख के चलते हैं हम लोग ये थोड़ा सा जनरल
डिफरेंट डायग्राम से बनाकर चलता हूँ। ये एक स्प्रिंग ले लिया मैंने, ये मास, बॉडी मास एम की अटैच कर दी और ये मैंने मान ली यहाँ पर मेन पोजिशन। लेकर चलूंगा मैं ये ए मान ली, ठीक है, दिस इज पोजिशन ओ। मैंने क्या कर दिया इसको, इलॉन्गेशन कर दी इसकी, तो इस तरीके से ये पोजीशन आ गई बी, जो कि ए से डिस्प्लेसमेंट आ गया एक्स में। यहां पर जैसे मैंने इसको इस साइड को खींचा, इस साइड को तो एक रिस्टोरिंग फोर्स वर्क हो गया इस टाइप से, जो कि इसको इस साइड को खींचा। नाउ आई लेफ्ट द बॉडी हियर, फोर्स को मैंने रिलीज कर दिया, अप्लाइड फोर्स को। नाउ द बॉडी दैट मूव टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन मेन पोजीशन की तरफ इस तरीके से आएगी हमारे पास। लेकिन जैसे ही यहां पर पहुंची, इट हैव गेन्ड द मोमेंटम एंड इट ओवरशूट द पोजीशन ए, ए पोजीशन को निकल जाएगी, ओवरशूट कर जाएगी एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द दिस मेन पोजीशन, इस साइड को आ जाएगी। तो हमारे पास ऐसा बिटवीन द एक्सट्रीम पोजिशन बी एंड सी अबाउट द मेन पोजिशन ए। अब होगा क्या ये हमारा आपके पास, इफ एक्स इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपके पास, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी दैट चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम, फिर से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई डिक्रीज होना शुरू हो गई, क्योंकि इसकी स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो गई, और यहाँ पर आते आते क्या हो जाएगी इसकी स्पीड हो गई जीरो, सो द काइनेटिक एनर्जी दैट बिकम्स जीरो एंड द पोटेंशियल एनर्जी दैट बिकम्स अ मैक्सिमम। सो मींस इन दिस प्रोसेस, इन द प्रोसेस ऑफ ऑसिलेशन, यहाँ पर बेटा रिस्टोरिंग फोर्स इस साइड को लगेगा, इन द प्रोसेस ऑफ द ऑसिलेशंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी दैट इज कन्वर्टिंग इनटू potential energy and the potential energy that is converting into kinetic energy, but the total energy of the system, if there is no dissipating forces are there, then the total energy of the system that remains a constant, jo system ki energy hai wo kya rahegi aapke paas, that remains a constant। to hum log agar yahan par total energy ke liye graph plot ke chale, is case mein agar graph ki baat kare hum log, to hamare paas is tarike se baat karte hain hum log, ठीक है, दिस इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, सी और बी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी है जीरो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी काइनेटिक एनर्जी की, तो जीरो और ए के ऊपर हो गई मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी सी और बी के ऊपर है मैक्सिमम और ए के ऊपर हो गई जीरो, इस तरीके से। तो ये किसके लिए हो गया, दिस वन इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी,
तो इस तरीके से हमारे पास ये वेरिएशन बेस जनरल डिस्कशन है, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी, अच्छा एक चीज हम लोग छोड़ गए हैं भाई, उसको कर लेते हैं पहले। हाँ छूट गए हमारे पास, जब हम लोग ये बात की थी, अगर मान लो हमारे पास वी एम जो हम अभी अभी केस किया हम लोगों ने, मैं उसको करवा देता हूँ थोड़ा सा। वी एम इज द मैक्सिमम स्पीड जो कि ए के ऊपर आएगी एंड एक्स एम इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी मेन पोजीशन के ऊपर दैट इज टोटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसका मतलब हमारे पास हाफ एम वी एम का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स एम का स्क्वायर। मैं ये स्पीड लिखा हाफ से हाफ कैंसिल सो वी एम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के बाई एम एक्स एम का स्क्वायर। सो दिस वी एम दैट इज इक्वल टू के बाई एम अंडर द रूट और ये एक्स। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते उसके से, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी हम लोग हमने बात की थी व्हेन द वर्क इज डन ऑन द बॉडी देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी दैट इज नोन एज अ मैकेनिकल एनर्जी। और उसके दो फॉर्म की थी हम लोगों ने, कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग यहां पर ऐसे बोल सकते हैं दैट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, सो मैकेनिकल एनर्जी की बात करें की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास द वर्क इज डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो फोर्सेस इन्वॉल्व हो रहे हैं दैट आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस, देन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट रिमेंस कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी
The work is done. Only by the conservative forces that the total mechanical energy, total mechanical energy of the system remains constant. क्या रहेगी? constant. इसका मतलब that E is equal to K plus V, that is equal to constant. मतलब sum of the kinetic energy and potential energy that remains a constant. तो मान लो हमारे पास कोई फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है दैट इज एक्टिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, तो उस केस में देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स है और किसके अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने प्रोड्यूस डेल्टा एक्स प्रोड्यूस किया है. तो हम लोग वो लेकर चलेंगे, इसका प्रूफ लेकर चलेंगे. प्रूफ, so proof of this one, that is a principle of conservation of energy ki baat kar rahe hain. theek hai beta, so let a body undergoes small displacement delta x under a conservative force F. According to work energy theorem, यही होगा हमारे पास. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन, यही हमारे पास. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इज इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स. लेट इट बी नंबर वन. पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात करते हैं हम लोग. फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा माइनस डेल्टा वी दैट इज इक्वल एफ डेल्टा एक्स. हमने लिखा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ के बराबर, तो वहीं से आता है. सो देयरफॉर दिस डी वी दैट इज इक्वल टू माइनस एफ डेल्टा एक्स नंबर टू. सो एडिंग वन एंड टू दोनों को ऐड कर दो. एडिंग वन एंड टू दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया डेल्टा के प्लस डेल्टा बी इज इक्वल टू जीरो. एक जैसे जीरो हो गया. सो मैं डेल्टा बाहर ले लेता हूं, के प्लस बी दैट इज इक्वल टू जीरो. मतलब चेंज, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू जीरो. इट मीन्स दैट K plus V that is equal to constant. ये क्या रहेगा आपके पास? remain a constant. So this is the proof of a principle of conservation of energy. अब यहां से कुछ पॉइंट करते हैं हम लोग. देखो हमने बात की that E that is equal to K plus V. Kinetic energy that is always positive. काइनेटिक एनर्जी दैट कैन नेवर बी नेगेटिव. काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है. पोटेंशियल एनर्जी दैट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और
पॉइंट मे बी जीरो। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। देयरफॉर द टोटल एनर्जी दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है आपके पास, ठीक है। जीरो तो पाएगी ना, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जीरो। अब यहां से अगर मैं निकालूं तो ई माइनस बी दैट इज इक्वल टू के, ठीक है, दैट कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि के कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है फॉर द सिस्टम टू एग्जिस्ट। किसी भी सिस्टम को एग्जिस्ट करने के लिए ये कंडीशन आपके पास क्या, ये जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, बेटा कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, कैन नेवर बी नेगेटिव फॉर अ सिस्टम टू एग्जिस्ट। चलो अब हम लोग ने इलस्ट्रेट करना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो उसमें फ्रीली फॉलोइंग बॉडी के लिए करते हैं, ठीक है। सो इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलोइंग बॉडी। मान लो हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास एम है, लेट अ बॉडी ऑफ मास एम पास फ्रीली थ्रू हाइट एच, एच वन नथिंग यहां पर हमारे पास चली यहां से, लेट दिस इज पॉइंट ए, यहां पर मैं ले लिया पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, ये टोटल हाइट मैंने मान ली एच के बराबर, यहां से बी तक की हाइट के बराबर, और ये मान लो मैंने एच माइनस एक्स, यही बचेगी टोटल में से एक्स में माइनस करके 10। एट पॉइंट ए, ए की बात करता हूं मैं, पहला एट पॉइंट ए, ए की बात करें अगर हम लोग यहां पर एट पॉइंट ए, देखो U तो जीरो है, therefore kinetic energy that is equal to zero, और potential energy mgh, mass m है, height आपके पास h है, acceleration into gravity g के बराबर है, so the total energy यहां पर अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी E1 मैंने मान लिया दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू 0 प्लस mgh, सो E1 इज इक्वल टू mgh, लेट इट बी नंबर 1। पॉइंट C की बात कर लेते हैं, एट C एट पॉइंट
सी। यहां तक आते आते बॉडी इस हाइट के थ्रू फॉल हुई तो हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस होता है। तो वी स्क्वायर चली तो जीरो के साथ थी क्योंकि इनिशियल स्पीड जीरो है, जीरो रेस्ट से चलेगी आपके पास तो बॉडी स्टार्ट होती है, दैट इज टू जी, और ये एच हाइट के थ्रू ये फॉल हुई यहाँ से यहाँ। सो वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जी एच। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर टू जी एच, टू से टू कैंसिल आउट, सो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल एम जी एच। अब क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर हाइट जीरो है सो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल जीरो। सो द टोटल एनर्जी कहां पर बी के ऊपर टोटल एनर्जी ई टू दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ई टू इज इक्वल टू एम जी एच प्लस जीरो। सो ई टू दैट इज इक्वल टू एम जी एच नंबर टू। अब बात कर लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर एट पॉइंट बी। यहां पर भी वही बॉडी इतनी हाइट के थ्रू फॉल हुई तो मैं यहां पर लिखूं बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। हाइट के थ्रू फॉल हुई है आपके पास तो बी को मान लिया बी वन स्क्वायर, चलिए तो जीरो से ही है इक्वल टू जी एक्स। सो बी वन स्क्वायर इज इक्वल टू जी एक्स के बराबर। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी वन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम इंटू टू जी एक्स। सो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू एम जी एक्स इसके बराबर है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी एम जी और हाइट है इस पॉइंट की अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ एच माइनस एक्स। सो टोटल एनर्जी निकालने हम लोग देयरफॉर टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी आपके पास दैट इज ई थ्री, मैं इसको लिख दूं दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो ई थ्री काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास एम जी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच माइनस एक्स। सो ई थ्री इज इक्वल टू एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स। एम जी एक्स से बेटा एम जी एक्स कैंसिल आउट। सो ई थ्री दैट इज इक्वल टू एम जी एच। देखो फोर्सेस सारे ग्रेविटेशनल थे तो मतलब आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। वर्क इज डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो फ्रॉम वन टू एंड थ्री अगर देखें हम लोग फ्रॉम दिस वन टू एंड थ्री वन टू एंड थ्री ई वन इज इक्वल टू ई टू इज इक्वल टू ई थ्री दैट इज इक्वल टू एम जी एच। इट मीन्स दैट द टोटल एनर्जी एट एवरी पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ द बॉडी दैट इज कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू एम जी एच, वेदर द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज चेंजिंग इन टू काइनेटिक एनर्जी बट द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट रिमेन्स अ कॉन्स्टेंट। इट मीन्स दैट द टोटल एनर्जी दैट रिमेन्स अ कॉन्स्टेंट। दिस प्रूव्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द यूनिफॉर्म बॉडी। ठीक है, अब आप लोगों ने ये खुद से करना है कौन सा फॉर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मैकेनिकल एनर्जी
बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम, समझा मैं रहा हूं, लिखना आप लोगों को से एडवर्टाइज को, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का आप लोग उसकी हेल्प ले सकते हो, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको फास्ट सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में जो ऑसिलेशन आपके पास आती हैं, दैट ऑल्सो ऑब्वियस द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर द आइडियल पेंडुलम, उसकी ऑसिलेशन के बारे में हम लोग अगर बात करें तो, सो इन दिस केस सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन की बात करते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास फॉर सिंपल पेंडुलम, फॉर सिंपल इलुस्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मैकेनिकल एनर्जी फॉर अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं यहाँ, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर, कंसीडर द ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेट दिस वन दैट इज अ ए बी द मेन पोजिशन, मीन मतलब अनडिस्टर्ब पोजिशन ऑफ द पेंडुलम, ये पोजिशन ए मैंने मान ली यहां, ठीक है। द पेंडुलम दैट इज डिस्प्लेस्ड टू द पोजिशन बी, इज रिलीज्ड द पेंडुलम ऑसिलेट्स, ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा इस साइड को, इट ओवरशूट द पोजिशन ए एंड इट रीचेस दैट पोजिशन सी इन दिस, ये पोजिशन सी आ गया बराबर साइड, दिस इज ऑल्सो एट हाइट एच। एज द पेंडुलम ऑसिलेट्स, its height decreases, therefore its speed that increases, hence its potential energy that changes into kinetic energy, potential energy that changes into kinetic energy. At the mean position A, the height is zero, hence its position, its potential energy that becomes zero, but its speed is maximum, यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, hence its kinetic energy is a maximum, so its whole of the potential energy that gets converted into kinetic energy. It overshoots the position A. Now, as the height that increases gradually, therefore its speed decreases. So kinetic energy decreases, but the height increases. Hence, the potential energy that increases. So as the pendulum moves from the mean position towards the extreme position, its kinetic energy that changes into potential energy, and at the extreme position its speed that becomes zero, so its kinetic energy that becomes zero, yahan par kinetic energy kya ho jayegi, zero, and the potential energy that is maximum, yahan par potential energy kya ho jayegi, maximum, it means whole of the kinetic energy that gets converted into potential energy, so potential energy yahan par aa gaya maximum, maximum, theek hai। फिर से वही रिपीट होगा, एज इट मूव्स फ्रॉम वेयर दैट द एक्सट्रीम पोजीशन टू द मेन पोजीशन, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी दैट डिक्रीजेस, मेन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, आपके पास जीरो हो जाएगी, ठीक है। और फिर से इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और यहाँ पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी दैट बिकम्स जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट बिकम्स अ मैक्स। So during the oscillations of the pendulum, the kinetic energy that changes into potential energy and the potential energy that changes into kinetic energy, but the sum of the potential energy and kinetic energy of the
pendulum that remains a constant, or we can say that the mechanical energy of the pendulum that remains a constant, that proves the principle of conservation of the mechanical energy in case of the simple pendulum. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको करना है और लिखना है आप लोगों ने. ठीक है बेटा, सो आज के लिए इतना ही है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.